नमस्कार माय चैनल, आज मैं आपके लिए बहुत ही शानदार फ्रूट चाट की रेसिपी लेकर आई हूँ। फ्रूट चाट की रेसिपी बनाने के लिए इंग्रेडिएंट्स आपके स्क्रीन पर हैं। सबसे पहले मैं कंडेंस्ड मिल्क बना रही हूँ घर में, कि मार्केट से आप अगर ख़रीदेंगे तो ये बहुत महंगा पड़ता है, इसलिए आप इसे घर में बनाएं। सिर्फ दो चीज़ों से ये बनेगा। ये मैंने दो कप दूध लिया है और एक कप मैंने इसके अंदर शक्कर डाली है, एक कच्ची खांड जिसे बोलते हैं भूरा, और आधा कप चीनी डाली है इसमें मैंने। आप चाहें तो आप इसे सिर्फ एक कप चीनी को पीस कर वो डाल सकते हैं इसमें। आप इसे लगातार हिलाएं और इसे आप मीडियम फ्लेम पर पकाएं, बिल्कुल भी इसके अंदर उबाल नहीं आना चाहिए, और इसको बिल्कुल मीडियम फ्लेम पर आप पकाएं और लगातार चलाते रहें इसको। और इस तरह से गाढ़ा होने पर आप इसे थोड़ा, जैसे ही आप इसे छोड़ेंगे तो इसमें मलाई आ जाएगी और वो मलाई आनी नहीं चाहिए इसमें। तो आप लगातार इसको चलाते हुए इस तरह से बनाएं। कुछ लोग इसको बनने के बाद जब ये ठंडा हो जाता है हल्का, तब इसमें थोड़ा सोडा मिला के दोबारा से उसको करते हैं, लेकिन मैंने इसमें सोडा नहीं डाला है बिल्कुल भी, सिर्फ इसमें चीनी और वो डाली है शक्कर। इसके बाद आप इसे छान लीजिए, क्योंकि बिल्कुल स्मूथ बना लीजिए ऐसे ऐसे छान के आप इसको। यहाँ मैंने अमूल की जो है व्हिप क्रीम ली है लिक्विड वाली, और इसमें मैंने जो कंडेंस्ड मिल्क बनाया था घर में वो डाला है। अगर आप इसमें कंडेंस्ड मिल्क ना डालना चाहें तो सिर्फ आप इसके अंदर चीनी का पाउडर बनाकर डाल दें। ये दूसरी वाली क्रीम मैंने जो बनाई है ये पाउडर क्रीम है, ये मैंने पाउडर में जो व्हिप क्रीम का मैंने पाउडर मंगवाया था और उसके अंदर मैंने दूध डालकर और इसको बनाया है। और एक क्रीम मैंने अमूल वालों की लिक्विड वाली थी जो, वो उससे बनाया है, और दोनों क्रीम मैंने आपस में मिक्स कर दिए हैं, अमूल वाली भी और जो मैंने पाउडर से बनाई थी क्रीम, दोनों को मैंने ऐसे मिक्स कर दिया है। ये चाट बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनी थी मेरी, आप भी ऐसे ही बनाएं। एप्पल डाले हैं मैंने इसमें, केले डाले हैं, दो केले डाले हैं इसमें, एक एप्पल डाला है, एक मैंगो डाला है, अंगूर डाले हैं मैंने थोड़े से इसमें आधी कटोरी के करीब, एक मैंने इसमें ऑरेंज डाला है, इसके बीज वगैरह निकाल दें, कीवी ली है मैंने 8-10 कीवी और स्ट्रॉबेरी। आपस में आप जो भी फल आपके पास उपलब्ध हैं आप उससे बनाएं। इस तरह से आप इसको बना लें और ऊपर से आप इसमें आप अनार डाल दें, बीच में भी डाल सकते हैं, ये डेकोरेशन के लिए मैं थोड़े से डाल रही हूँ इसमें स्ट्रॉबेरी और कीवी वगैरह। ये इसमें मैंने थोड़े से डेट्स डाले हैं और अंजीर डाली है, ड्राई फ्रूट मैंने रात में पानी में भिगो दिए थे और उनको सुबह कटिंग करके डाली है, ऊपर से थोड़ी सी क्रीम और अनार के दाने डेकोरेशन के लिए डाले हैं मैंने उसके गार्निशिंग में। इसे आप फ्रिज में जमा कर, ठंडा होकर, फ्रीज़र में नहीं फ्रिज में जमा कर खाएँ। रेसिपी पसंद आने पर लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और आप खाइए ये शानदार सी फ्रूट चाट, और कमेंट भी ज़रूर कीजिए। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।